नमस्कार मेरे दोस्तों, सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। 2020 का साल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत सारी खुशखबरियां लेकर के आया है। मैं अभिषेक सिंह सेंगर, डायरेक्टर रविंद्राज IAS एकेडमी, जो फिलहाल छतरपुर की नंबर वन कोचिंग है, और काफ़ी सारे फैकल्टीज़ हमारे जो हैं उनसे मैंने बातचीत की। नोटिफिकेशंस और जो सूचनाएं अभी मिल रही हैं मीडिया के माध्यम से, वो भी मैंने स्टडी करी। उसके बाद मैं बच्चों को ये क्लियर करना चाहता हूं कि इस आने वाले कुछ ही दिनों में बहुत सारी परीक्षाएं आयोजित की जाने वाली हैं, ये लगभग अब तय हो चुका है। सबसे पहले मैं बात करूँगा संविदा परीक्षा की, जो प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए वर्ग 3 की परीक्षा है। उसका क्लियर नोटिफिकेशन इस समय वेबसाइट परीक्षा मंडल, या इंग्लिश में कहें प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की वेबसाइट पर आ चुका है। इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की तारीख 6 जनवरी से शुरू होगी और वो 20 जनवरी तक चलेगी। बाद में आवेदनों में जो भी आपको चेंजेस करने हो, मॉडिफिकेशंस करने हो, वो सारे मॉडिफिकेशन किए जा सकेंगे 25 जनवरी 2020 तक। अभी इसमें कितनी वैकेंसी आई है या कितनी संख्या में टीचरों को या शिक्षकों को यहाँ लिया जाना है, इसका अभी कुछ भी क्लियर नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो संख्या के बारे में पता नहीं है। लेकिन काफ़ी वर्षों से ये परीक्षा आयोजित नहीं की गई है, इसलिए बहुत सारे पद खाली हैं। तो मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ी मात्रा में, काफ़ी बड़ी संख्या में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी और काफ़ी सारे शिक्षकों को इसमें चयनित किया जाएगा। दूसरा मैं बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश पुलिस के अंतर्गत आने वाली मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की परीक्षाओं के लिए राज्य शासन द्वारा पुलिस विभाग को ये निर्देश दिया गया है कि ये परीक्षाएं अब स्वयं पुलिस विभाग स्वयं से आयोजित कराएगा। पहले ये परीक्षाएं प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड या वेबसाइट परीक्षा मंडल भोपाल द्वारा आयोजित किया जाता था, लेकिन अब ये परीक्षाएं स्वयं पुलिस विभाग आयोजित करा जाएगा। इसके लिए जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षक और DIG या अन्य बड़े प्रशासनिक अधिकारियों की मीटिंग्स और इनकी क्रिया कार्यशैली के लिए कैसे इसको ऑर्गेनाइज किया जाए, कैसे इसको करवाया जाए जिला स्तर पे, इसकी तैयारी अभी चल रही है। कई मीटिंग्स की खबरें अभी आ रही हैं। बतौल अभी ये देखा जाए कि कितनी वैकेंसी अभी पुलिस में आएगी, ये भी अभी क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन 2-3 सालों से वैकेंसी नहीं आई है, इसलिए पद काफ़ी खाली हैं। इसलिए भी मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी बड़ी संख्या में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पद की वैकेंसी आने वाली है। तो जो विद्यार्थी विगत वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं एक बात और बहुत ज़रूरी बात जो है मैं बताना चाहूँगा कि पैटर्न अब परीक्षा का बदल जाएगा। जैसा बहुत पहले हुआ करता था, जब व्यापम परीक्षा नहीं लेता था, पहले फिजिकल एग्जामिनेशन देना होगा विद्यार्थियों को, उसके बाद जो फिजिकल एग्जामिनेशन में चुने गए विद्यार्थी होंगे वो लिखित परीक्षा दे पाएंगे। हालांकि ऐसा भी अभी कोई क्लियर नोटिफिकेशन सरकार की ओर से जारी नहीं किया गया है। तो बच्चों तैयार रहें, मेरी शुभकामनाएं हर विद्यार्थी के साथ हैं। और जो छोटे छोटे गांवों से बच्चे शहर में पढ़ने आते हैं, जो आशा रखते हैं कि वो जल्दी सेलेक्ट होंगे, वो फिज़िकल की तैयारी भी अब जल्दी शुरू कर दें। सर्दियों के दिन हैं, इसका पूरा लाभ उठाएं। सर्दियों के दिन में सेहत बहुत अच्छी बनती है, तो ग्राउंड जाना शुरू कर दें और तैयारी के लिए अब तैयार हो जाएं, क्योंकि बहुत जल्द आप लोगों को ये परीक्षाएं देने का अवसर मिलने वाला है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जो लोग डेट की अभी जो परीक्षा तिथियों का वेट कर रहे हैं कि कब परीक्षा तिथि का नोटिफिकेशन आएगा, तो ये नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। इसलिए मेरा ये सुझाव है आप सभी विद्यार्थियों से कि इंतज़ार मत करिए, समय बहुत महत्वपूर्ण है, समय को मत गंवाइए। बाकी रविंद्राज IAS परिवार और हमारे जो IAS MPPSC के इंटरव्यू तक जा चुके फैकल्टीज़ हैं, उनकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे छतरपुर के और आसपास के क्षेत्रों के, जो बुंदेलखंड के अंदर का आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्ट हों और अपना उज्जवल भविष्य बनाएं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।